हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं और इस टाइम पर हम मतलब मैं जा रही हूँ कहीं और कहाँ जा रही हूँ वो मैं क्या बता अभी आपको बता नहीं सकती। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब वहाँ पहुँच जाऊँगी या जो भी काम है वहाँ भी कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। मैंने कोई मन्नत भी बोल रखी थी तो उसी हिस्से की वजह से जो है कि हम वहाँ जा रहे हैं। हेलो, तो जाने से पहले मैंने सोचा कि अभी फिर क्योंकि भूखे जा रहे दोनों जाने ऐसे ही तो बाबू भी मैं भी अब वहाँ से आएंगे तब खाएंगे। तो मैंने अचानक मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा चलो खाना बना लेती। तो सब्जी तो रखी थी अब खाना बना रही थी तो मैंने सोचा 2 सीटी में बन जाएगी खाना, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको वहाँ जहाँ जा रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे वहाँ का। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने वहाँ कुछ बोल रखी थी तो मैं इसीलिए उस जगह पे जा रही हूँ। क्योंकि मुझे जब मैंने उस जगह के बारे में मैंने मेरे को किसी ने कहा और जब मैंने वो चीज़ मैंने बोल के रखी तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है। तो मैं अब उस जगह पर जा रही हूँ। तो चलिए अब लेट हो रहे फ्रेंड, थोड़ा टाइम से पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड क्या कहते हैं कि मतलब काफ़ी दूर गए और मैं सोच रही थी कि थोड़ा आप लोगों को मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मतलब क्या किस लिए जा रहे क्यों जा रहे। तो मैंने अभी आपको बताई है क्यों जा रहे। तो अभी तो मैंने मतलब सब काम मेरा हो चुका है और मैं नहा भी चुकी हूँ, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब निकलने की तैयारी कर रहे, बस बाबू जूता पहन लें और बस फिर उसके बाद हम चल देंगे यहाँ से। तो थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-5 मिनट लगेगा जाने आने में। आधा घंटा तो मान ही लो, आधा घंटा आने में आधा घंटा जाने में तो लग ही जाएगा। तो जो भी बातें हैं जो भी कुछ है हम वहाँ जाके शूट करेंगे तो आपको बताएंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड मैं क्या कहते हैं अभी हम बैठ गए रिक्शे पे और अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं 15-20 मिनट में। पहली बार जा रहे, देखते हैं। फ्रेंड हमें आ चुके हैं जहाँ मैं बोली थी और मेरे हाथ में ये प्रसाद। तो मैं अब जा रही क्या कहते हैं चढ़ाने के लिए और यही जगह है, कहते हैं सच्चे मन से मांगो जो भी मांगो सब मिल जाते हैं। तो मेरे को भी किसी ने कहा था तो मैं आई हूँ और मैंने भी देखा है मतलब कि हाँ कहते हैं हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं दिल से मानो तो सब सही है, एक सही है। क्योंकि हमें जहाँ से फ़ायदा मिलता है तो हमारे लिए तो वही जगह ठीक है। तो क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत आराम मिला जब मैं बोल के रखी थी तब से मेरी तबीयत ठीक है और अब मैं जा रही हूँ। ज़्यादा देर तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती तो चलिए मैं जा रही हूँ। चलिए वहाँ आप नहीं, कोई बात नहीं, हम आते हैं अंदर से पूजा पाठ करके। तो अभी क्या कहते हैं मैंने जो है कि पूजा कर ली हूँ और फिर अब जा रहे घर की तरफ। तो इधर से भी जाने का रास्ता है, वैसे रास्ता तो होगा ऐसी बात नहीं। तो यहाँ देखिए कितना ये कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खाने के लिए हम कुछ लेके ही नहीं आए, जो हम कुछ खा भी लेते। तो यहाँ पे जो है कि अभी हम मतलब कहते सच्चे मन से कहीं भी कुछ मांगो ना सब मिल जाते दोस्त, ऐसी बात नहीं नहीं मिलते। हम कहते हैं कि नहीं वो मुसलमान को मानते पीर बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सच्चे मन से मांगो और अपना मनोकामना पूरी हो जाए तो वही। क्या कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ़ थी, दुख भी था, बहुत कुछ था दिल में क्योंकि मैं सही नहीं हो रही थी। आपको तो पता ही है मैं कितनी परेशानी से गुजर रही थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान थी फ्रेंड, जो भी बात है। तो इसीलिए जो है कि मैं मतलब इस जगह पे आई हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि आप उस जगह पे जाओगे ना तो एक बार बोल के देखो तो तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, क्या पता ऐसा भी हो सकता है उस जगह पे जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊँ और जो भी परेशानी है मेरी वो दूर हो जाए। तो देखते हैं, विश्वास तो मन में बहुत ज़्यादा है कि नहीं हाँ मैं अब ठीक हूँ क्योंकि मैं जिस दिन से बोली उस दिन से मैं ठीक हूँ। और बस यही कहती हूँ ऊपर वाले से, माता रानी से, कि हमेशा ऐसे ठीक ही रहूँ मैं, कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी दिन हो गए, 2 साल हो गए कहीं गई नहीं हूँ, कहीं पार्क वार्क में निकली नहीं हूँ। तो इसीलिए इस जगह पे आई हूँ तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, ऐसी बात नहीं नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। और घर से खाना भी नहीं खा के आए थे, ऐसे ही मैं आ गए थे तब खाना पीना खा के आया, खाना खा लेती तो और अच्छा लगता थोड़ा देर बैठती भी। लेकिन अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तो अब
घर की ओर चलना चाहिए। लग रहा होगा कि कोई मैं जंगल में हूँ, मगर जंगल नहीं है, ये पार्क है। और उधर से मैं आई हूँ, इधर से मैं आई हूँ, और ये रास्ता, इधर से मैं आई हूँ, और ये पार्क है। अभी फ़िलहाल मैं पार्क में हूँ। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये सब फैक्ट्री है, कंपनी वाले काम करते हैं यहाँ, फैक्ट्री वाले लेबर सब। तो क्या बताए फ्रेंड, ऐसे ही बहुत दिल में दुख है, बहुत से सपने भी हैं, बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ लाइफ में, अपना एक घर भी होना चाहिए। परेशानी झेलते झेलते, दुख झेलते झेलते अब क्षमता नहीं होती है। बस अब यही कहती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर वाला सुख दे मुझे, बस और कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं, मेरे को है ना बस यही है कि मतलब कैसे भी रहूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँ, बस मैं यही चाहती हूँ। और सही होना चाहती हूँ मैं फ्रेंड। मेरे को जहाँ पे भी कोई भी कुछ बोल देता है ना, मैं वहीं चली जाती ताकि मैं सही हो जाऊँ बस। क्योंकि मैं तो परेशान होती हूँ, खैर मैं तो शरीर में जो तकलीफें होती है वो तो दिक्कत होती ही है, लेकिन मेरे साथ जो है बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं होता जो कि वो फुल ड्यूटी वो कर सके, मतलब एक महीना फुल ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक कभी बाबू ने अभी तक ड्यूटी नहीं कर पाए। 7, 8, 9, 10 छुट्टी तो हो ही जाती है, और बार बार आ जाते हैं मेरी तबीयत ख़राब को लेकर। तो मैं यही कह रही हूँ पीर बाबा से, मैं कह रही बाबा मुझे है ना बिल्कुल पूरा रूप से ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, बस मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो अभी यहाँ पे मतलब आई हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, दिल उदास भी है। बाबू पूछ रहे थे कि उदास क्यों हो, इतना मायूसी छाई है बहुत सुस्त। तो मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे ही उदास नहीं हूँ। तो खैर उदास तो ही मैंने, नहीं उदास नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा। तो फ्रेंड यही है बस, तकलीफ जो परेशानी है बता रही हूँ मैं, क्या बताऊँ ज़िंदगी है। सोचा था अपने मर्ज़ी से शादी भी कर ली, सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं। बस जब से शादी हुई है तब से परेशानी झेल रही हूँ। परेशानी से झेलते झेलते जो है कि परेशानी का सामना करते करते है ना, अब ऐसा लगता है जैसे लगता है ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है। जाने वाली हूँ, बाबू को देख रही हूँ, बाबू उधर गए हैं कुछ काम से, तो वो आ जाएंगे फिर हम घर चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और अभी बाहर निकल के जाके कुछ ले लेंगे खाने के लिए फ़िलहाल। तो फ्रेंड बस मैं यही कहती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं घर जा रही हूँ, क्या कहते हैं, बहुत देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई, थोड़ा पार्क में घूम भी लिया, और थोड़ा अब सोच रहे कि घर चले जाएं। घर जा रही हूँ अभी इस टाइम पे, और जाके फिर क्या कहते हैं खाना पीना खाना है, देखते हैं ऑटो यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं था। ये लगा कि हम दूसरी बार आए, पहले एक बार आए थे लेकिन अब की बार फिर आए दूसरी बार। मैं अब ऑटो में बैठ गई, अब जा रही हूँ घर। और क्या कहते हैं, उस तरफ से हम आए थे तो 340 रुपये ले लिया था, बल्कि 10 रुपये में आना जाना होता है, 10 रुपये में मतलब छोड़ देता है यहाँ पे। अब यहाँ से जा रहे थे 10 रुपये, बाबू मानते नहीं, बाबू ने कहा दे तो कोई बात नहीं, देना पड़ेगी 40 रुपये। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कहते हैं, फाटक बंद है, तो अभी मैं मतलब यहाँ अब बैठे हैं रिक्शा, अभी ट्रेन जा रही है तो क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो फिलहाल देखिए घोड़ा यहाँ पे हमें मिल गया, और भाई सही है, भाई सही है, ये घोड़ा बुक की है, देखिए
अब इतनी जाम लग गई है बहुत ज़्यादा, और अभी हम इस टाइम पे रिक्शे पे बैठे हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये मिल गया घोड़ा भाई टांगा, काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं। फाटक खुल चुकी है, जाम भी देख लीजिए कितनी तगड़ी जाम है। फ्रेंड अभी हम आ गए घर पे, और क्या कहते, अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं।